नागपुर महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मोर्चा किया गया। इस वक्त महंगाई और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक के मुद्दे को लेकर जोरदार घोषणाबाजी भी की गई। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन ये अम्बाझरी में पिछले कई दिनों से था। यह 44 एकड़ जगह गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट पार्टी को दी और उसने आम्बेडकर भवन तोड़ा। नागपुर शहर के जनता का स्वाभिमान, इससे स्वाभिमान को ठेस लगी है और आम्बेडकरी जनता सड़क पर है। हमारी मांग है कि इस गुनहगार पर जिसने ये भवन तोड़ा है विदाउट शासन की परवानगी, उसके ऊपर FIR दाखिल करने की हमने मांग की है। कलेक्टर साहब ने 15 दिन में इसके ऊपर FIR दाखिल करने का हमसे वादा किया। जिस कंपनी ने ये तोड़ा है उसको सरकार के बड़े मंत्रियों की मदद है, आपका हाँ मुझे लगता है कि जिसकी भी मदद होगी यह आंदोलन तीव्र होगा और हम जिसकी भी मदद होगी उससे भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मैं नैश नुसरत अली हूँ, नागपुर महिला शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये देश में जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही है पूरी तरीके से माइनॉरिटी को तोड़ने की और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कभी ये लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की जो भावनात्मक जो चीज़ें हैं जिससे लोगों के विचार और आत्मा जुड़ी है उसको तोड़ने का काम करते हैं। कभी ये चर्च को तोड़ने का काम करते हैं, कभी ये मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं। ये RSS विचारधारा वाले लोग हैं। BJP तो केवल एक कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल तो RSS के हाथ में। आज कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, पेरेंट्स बॉडी कांग्रेस हो, हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान आज यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि हम इस चीज़ का पूरी तरीके से विरोध करते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो अम्बेडकर भवन तोड़ने का जो कार्य जिसने किया है उसमें कौन से बड़े बड़े मंत्री और कौन सी सरकार उसमें इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर। कम कितनी महिला है यहाँ?
आज तो सर बहुत महिलाएं थी, लेकिन आपका कैमरा थोड़ा सा लेट हो गया, वरना आपको दिख जलन खत्म नहीं होगा, हम आपको कह देते हैं। 15 दिन का हमें समय मिला है, 15 दिन हमें कहा है, हमारा निवेदन एक्सेप्ट किया गया। हमारे आदरणीय विकास भाव ठाकरे जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई अभिजीत भाव वंजारी, आदरणीय मेरे बड़े भाई विशाल मुत्तेमार जी, सब लोगों ने मिलकर के कलेक्टर साहब को आंदोलन दिया, निवेदन दिया है। और 15 दिन के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई और हमारा अंबेडकर भवन हमें वैसा का वैसा ही नहीं मिला, तो हम इस सरकार की नहीं, इस प्रशासन की भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे।